स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। इसके और पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो क्वेश्चन किए थे कि एक्सप्रेस करना था पावर ऑफ 10 यानी 10 की पावर में। दूसरा जो इसका पार्ट था ये था कि 10 की पावर में दिया गया होगा उसको एक आम यानी न्यूमरल नंबर में क्या करना था, तब्दील करना था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा आगे पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10 कि अगर आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 8000, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, पावर ऑफ 10 में यानी 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। इसका तरीका का ये है कि आप पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद एक बार क्वेश्चन को लिख लें। उसके बाद आप करें ये कि कोई भी नंबर हो, जो नॉन जीरो नंबर हो उसको आप अलहदा करें और जीरो को आप अलहदा कर लें, ये 3 0 और जीरो के साथ ऑटोमेटिक आप क्या लगा लें, वन लगा लें, क्योंकि वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन नहीं लगाएं क्योंकि जीरो समथिंग मल्टीप्लाई करें तो सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसमें करें ये कि आपने क्या पढ़ा 8000 को मैंने अलग कर दिया 8000। अब इससे पहले ये होगा कि हमने करना क्या है कि आपने इस तरह करना है 8 मल्टीप्लाई और इसके अंदर कितने जीरो हैं, तो इसमें आप ऐसा करें 10 10 10 10 का इस तरह का। तो 10 मल्टीप्लाई 10 तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1000 आता है। उसके बाद आप ऐसा करें कि आपके पास इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, उसमें करें ये कि बेस सेम पावर ऐड वाला फार्मूला लगाएं, 10 की पावर क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 as we know that a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू क्या आता है, a की पावर m + n, यानी अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। उसके बाद आप ऐसा करें कि 8 × 10 और 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 3। क्वेश्चन को चेक करें, क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, 10 की पावर में। अब फार्मूला है एक, उस पर गौर करना है आपने, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन या किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, वेयर जहां a होगा वो होगा 1 < a less than क्या होगा 10। इसका मतलब ये है कि 1 a जो है पहला नंबर a, ये कौन कौन सा नंबर कंटेन कर सकता है, ये 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा यानी 9 तक जाएगा। इसमें आप ये नंबर चेक करें, ये एक ही जगह है तो ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। उसके बाद जो दूसरी चीज है 10 10 के बराबर होगा और जो n होगा ये किसको करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। इंटीजर का मतलब है कि 0 ± 1 ± 2 यानी पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे, तो इसका मतलब 3 3 इंटीजर में आता है। तो ये कंडीशन अगर पूरी करे तो उसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन किस में एक्सप्रेस हो गया, पावर ऑफ 10। एक और क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि आपके पास है 529, इसको आपने किस तरह कन्वर्ट करना है पावर ऑफ 10 में, यानी 10 की पावर बनाना है। अब करें ये कि आपके पास क्या है 529, आप ऐसा करें 5 उसके बाद 2 नंबर है, 2 जीरो लगा दें और यहां क्या कर दें प्लस, इसका मतलब 500 को हमने क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया। उसके बाद है 20, तो ये क्या कर रहे हैं 20 और उसके बाद क्या है 9। अगर आप 3 नंबर्स को ऐड करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बनता है 529। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास क्या हो गया, 5 है 5 मल्टीप्लाई क्या है 100 है, तो 100 कर दें 500 प्लस क्या है 2 मल्टीप्लाई 10 है तो 10 कर दें प्लस, इसके साथ कोई नहीं है तो 10 की पावर क्या कर दें 0। इस तरह हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल या कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर 0 और रिजल्ट क्या आता है 1, और 10 की पावर 0 की जगह 1 लिखें और 1 मल्टीप्लाई 9 करें तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। अब ऐसा करें आगे के 5 मल्टीप्लाई इसके पास कितने 0 हैं, 2 0 हैं तो 10 मल्टीप्लाई 10 कर लें प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या है 10 की पावर 1 है प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 0 है। उसके बाद फार्मूला लगाएं बेस सेम पावर ऐड वाला, यहां 5 मल्टीप्लाई ये 10 है, इसकी पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 क्योंकि बेस क्या है 3 में। उसके बाद क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 0, ये 10 की पावर 1 है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई ये ऐड कर दें 10 का पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ गया 0 आ गया। टोटल जो टर्म्स है वो किस में एक्सप्रेस हो गया 10 की पावर में, तो इसका क्वेश्चन नंबर हल हो गया। किसी भी नंबर को अगर आपने एक्सप्रेस करना है पावर ऑफ 10 में तो आप ये मेथड अप्लाई करके उस क्वेश्चन को 10 की पावर में कन्वर्ट
का रह सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न है कि अगर हम और प्रश्न देखें तो वो सारा इस तरह का प्रश्न होगा कि आपके पास 2093 इस तरह का नंबर आ जाएगा। इस पार्ट में एक्सप्रेस कैसे करना है ये पहले पार्ट में क्या है, ये है 2093 पहले आप क्या रखते हैं 2000, फिर उसके बाद जीरो है, जीरो की जगह जीरो आ जाएगा, उसके बाद 90 है तो आप क्या आ जाएगा 90, और उसके बाद क्या आ जाएगा 3 है तो 3 आ जाएगा। आप देखिए 2 ये 3 0 है मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 0 है उसके ना लिखें, उसके बाद 90 को हम किस तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर में कन्वर्ट करना है तो 9 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, उसके बाद क्या है प्लस 3 कुछ नहीं है तो 10 की पावर 0 कर दें क्योंकि 10 की पावर 0 as we know that 10 की पावर 0 is equal to 1 है, e की पावर 0 is equal to 1 है, 2 की पावर 0 is equal to 1 है, तो ये 1 जब जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही रिजल्ट आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 is equal to 3 आएगा। उसके बाद दूसरी चीज चेक करें कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई जिसकी पावर नहीं है उसकी पावर 1 है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। देखिए इसमें जितनी भी टर्म है वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं 10 की पावर में, तो कोई भी नंबर हो उसको आपने 10 की पावर में कन्वर्ट किस तरह करना है ये आपने मेथड क्या करना है फॉलो करना है। इस एक्सरसाइज की एंड हो गया, अगली आएगी 2.2 उसके अंदर हम फैक्टराइज वाला या उसके अंदर बैंक ऑपरेशन पढ़ेंगे, मेन टॉपिक है और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।